हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी 11 बजने वाले अभी है 20 मिनट, और मेरे को लगा कि बब्बू ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया होगा पर उसने नहीं किया, तो अभी मैंने कर दिया है। और आज फिर से स्प्राउट से, क्योंकि वी भाई डेली खा रहा है इसे, क्योंकि हेल्दी है। बब्बू ने मेले भी मंगा दिया, तो मेरे तो अभी फ्रिज में ऊपर रखे हैं, और बब्बू यहाँ पे अभी ब्रेड सेक रही है, और एक दो 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 मेले भी चीज लेके आ जाओ पड़ेगी, तो फिर मैं स्प्राउट्स भी नीचे ही ला रही हूँ। तो मैंने ले लिए हैं स्प्राउट्स और चीज, अब चलते हैं नीचे। तो बब्बू लेकर आ गई है, ये चीज कहाँ है पर इसमें अंदर समा गई। अंदर ऐसे कैसे समा गई? तो अब खाते और देखते हैं बब्बू ने कैसे समाई है अंदर चीज। 11:11 11:30 बजे उठते हुए आ रहे हैं आराम आराम से, बब्बू भी पागल है। मैंने तेरे को बोला था कि अभी 3 बजे तक निकलना है, 1:30 बजे तक, अभी 1:30 बज गया है तो। और तू इतने सारे क्यों लेके आई है भाई? अभी बता ही ना, तो इतने दिन के थोड़ी है, निकाल ले, काट ले कैंची से उसे। ये है सेम वही है जो पहन रखी है तूने। कहाँ है? सेम है, बिल्कुल सेम। देख पहली बात, मैं इतना सारा पहले मार दूंगी, पहली बात मैं इतना सारा सामान तो उठा के ले जा नहीं सकती, ठीक है ना? मैं उठा लूंगी, तो नॉर्मली रख। अभी 1:30 बज चुका है और मैं और पीरू जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें आज निकल रहे, तो थोड़ा बहुत सामान लेने जा रहे हैं। पीरू और बब्बू यहाँ पे प्रेस करिए, सब कर देने चाहिए तुम ये सारे कपड़े, कोई नहीं। तो हम जा रहे हैं, हम वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा खास होगा नहीं, हम फटाफट तो हम जल्दी जल्दी लेके आ जाएंगे। तो जल्दी से आते जल्दी से आते, फिर निकलना भी है, खाना भी खाना है। सृष्टि फुल ऑन गुस्से में, क्योंकि चाची ने उसके जूते धो दिए सुबह सुबह, हमारी ट्रेन फाइनली हम ऑटो से जा रहे हैं। जल्दी 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 यार, लेट हो गए, तो मिल गए हमें भैया यहाँ पे। चलो चलो चलो, बाय बाय बाय। 20 मिनट पहले बहुत ज्यादा हो गया, पहले बाहर निकाल दो पहले, लेकिन पर वो ऑटो वाले अंकल अच्छे थे, उन्होंने जल्दी जल्दी पहुँचा दिया। बब्बू सारा काम पीरू से करा रही, खुद बैठे बैठे उधर झाड़ रही है, बस हमेशा का विंडो सीट ले ली पर खोलना नहीं आता। तो ये हम तीनों की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है साथ में, इससे पहले हम ऐसे ट्रेन में अकेले भी सिर्फ तीनों नहीं गए हैं, तो मजा आएगा। पापा मम्मी के साथ गए हैं। हाँ, अच्छा, ऐसे तो गए हैं। शोल तो वीडियो बंद कर देती हूँ। अच्छा, क्या बोल रही थी? तो देखते कब तक पहुँचते हैं। और हमने पीरू को, एक्चुअली हमने तीन साथ में सीट बुक करी थी, पर अब पीरू को बेचारी को अलग से सीट पे बैठना पड़ रहा है। और फिर भी शक्ल देखो, ये रहे चले और ये रहा घोड़ा। नहीं, इकट्ठा करके रख रखा है सृष्टि ने, पैसे दिए। तो अभी एक अंकल आ रहे हैं, मतलब जो खाना सर्व कर रहे हैं, वो पीरू के बाद हो गए, चाय पी लिया, तो अभी हमने कप्पा नूडल ले लिए, एक और दे दो। थैंक यू। मैं तो सोच रही हूँ खा जाऊँ। पानी आ रहा है ना तेरे मुंह में? तेरे मुंह में जा रहा है? नहीं आ रहा। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, अब हम ऐसे ही खा रहे हैं।
बब्बू ने खाई है अभी इतनी, पीरू ने छोड़ दी थी और मैंने तो अपनी रख दी। हम तो होटल में मसाला डाल के खा लेंगे ये वाली, ये हमने बब्बू को दे दी। बब्बू बड़े मजे से खा रही थी और जैसे ही ब्लॉग यहाँ पे लगा कहाँ खा रही थी कहाँ लगाए देख और आज सेंटर में कर दिया। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुँच गए और यहाँ पर अभी हमें सौरभ मिलने वाला है, तो वो लोग खैर पीछे है तो हम क्या करते हैं। सौरभ और विनीत भी मिल चुके हैं, हम उधर शूट करना बोलते हैं अकेले आए। When you're here, you spark in the room. So finally, I'm hotel got to get and happy to have you here. चार से खोला इसने, कुछ भी नहीं है। तब हम हमारे होटल रूम पहुंच गए, पर लाइट क्यों नहीं जल रही है। तो अब हम थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो गए हैं होटल रूम में और हम यहाँ जिस काम के लिए आए वो भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम आपको रूम टूर देते हैं। तो पहले से यही होता है कि कार्ड वार्ड लगाओ यहाँ पे। अभी पहले मेरा देखिए नहीं खोली है और दोनों ने चप्पलें निकाल ली पहले से। इसमें वेज मशीन है 40 और मेरा 30, इसका 50 होगा फिर कुछ 49 है। यहाँ पे हमने अपने बैग्स वैग्स रखे, मैंने रख दिया। यहाँ पे एक सुंदर सा बड़ा सा मिरर है जिसमें पानी की मोटी, क्योंकि तुम मोटी है। और ये हमारा पे वॉशरूम है तो क्या दिखाना, नहीं दिखाएंगे ना। अच्छा सा है, मस्त है, उसमें बाथटब है। बाथटब यहाँ पे भी बड़ा सा शीशा है और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बड़ा शीशा है। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, तो थोड़ा वो हो गया। हाँ इस फ्रिज में मैंने बहुत उम्मीद के साथ इस फ्रिज को खोला था। और ये है हमारा रूम, तो रूम तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर रूम है। तो ये जगह मुझे बड़ी मस्त सी लग रही है। बेड है, बेड बेड पे तो बैठ के ही नहीं देख सकते। अरे कितना मस्त है। तो हम आए यहाँ पे अपने शूट के लिए, मेरा और सौरभ का नया गाना, तो उसका शूट है कल है, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। सुबह सुबह होगा तो सुबह सुबह जाना होगा हमको। और अभी तो हमने लंच अभी तो हमने डिनर वगैरह भी नहीं किया है, तो अभी डिनर करने जाएंगे, फिर थोड़ा सा बैठेंगे और फिर कल सुबह जल्दी भी उठना है हमको। हाँ, क्योंकि शूट यहाँ से थोड़ा आगे है तो उन्होंने बोला है जो हाँ 1-1.5 घंटा है, तो विनीत ने बोला है कि जल्दी उठ जाना। तो देखते हैं पीरू और सृष्टि कितना जल्दी उठते हैं। सृष्टि फिर भी उठ जाएगी, मेरा पीरू का उठना, मैं उठ जाऊंगी। टाइम से सोना टाइम से उठना, उसी का गाना है वो, नहीं उठेगी तो कौन उठेगा। तो उठेगी पर ये उठती नहीं है ना, घर पर 11 बजे उठती है, सबको पता है। घर पर शूट होता है, वाह क्यों नहीं होता, झाड़ू पे जाओ शूट नहीं होता, शूट ब्लॉग का शूट नहीं होता। तो अभी हम फिलहाल खाना वाना खाते हैं, हाँ उसके बाद मिलते हैं। हेलो हेलो हाय, हेलो हाय, फाइनली बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमारा खाना ऑर्डर हो गया है, इन्होंने ऑर्डर किया है और अभी कुछ और कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ और गेम चल रहा है। तो अभी हमारा डिनर भी आ चुका है, रोटी एंड सब्जी हेलड़ी खा रहे हैं हम यहाँ भी। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है और अब हम सोने जा रहे हैं बिकॉज हम सभी बहुत थक चुके हैं। ये हमारे हांसी के सबसे फेमस पेड़े हैं, तो खाओ। पीरू सृष्टि बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड फेमस है, इसमें से सृष्टि और मैं आधा ले। ये वर्ल्ड फेमस है, एक पूरा खा लोगे। अरे इसमें से ले लिया यार, अच्छा। तो अभी हमने डिनर वगैरह भी कर लिया, उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की और इन्होंने मुझे कुछ कुछ ब्लॉगिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया, हम भी काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, काफ़ी टाइम तो नहीं मतलब थोड़े से टाइम, दो दिन पहले मिले हाँ अभी हम 2 दिन पहले मिले थे। तो अब कल शूट है, शूट पर जल्दी भी निकलना है और सब थक भी गए हैं, तो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेरे को लाइक करो। स्टार्ट किया हो।